शामदीद अमीरुल बहर पाशा। आपका शुक्रिया शहजादे। ये कमान नहीं है, इसके तीर भी खसूसी अंदाज के हामिल हैं। मैं इसकी रफ्तार जांच रहा हूं, बहुत दूर तक मार करता है। ये बर्क रफ्तारी के साथ हदफ तक पहुंचता है। इसके अलावा इसकी नोक जहरीले अज़ाब में पूरी तरह भुची हुई है। शानदार निशाना है, लेकिन ये ना भूलिएगा कि दुश्मन भी निहत्ते नहीं होते। उनकी जानिब से किसी हरकत के बगैर उन पर वार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अमीरुल बहर पाशा अचानक मनीषा चले गए, किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं। पाशा, मलिका तक खबर पहुंचा दो, मैं फौरन इस मसले की तहकीकात करूंगा, उसके बाद आका से भी तफसील मालूम करूंगा। आका के ही हुक्म से गए हैं वो पाशा, इसे राज की तरह सब एक दूसरे से छुपा रहे हैं। तो फिर वो शहजादे मुस्तफा की सफीर से मुलाकात के हवाले से गए होंगे। मेरा ख्याल है कि अमीरुल बहर पाशा उन्हें कोई नसीहत करने भेजे गए होंगे। मलिका काफी ज्यादा फिक्रमंद हो रही है। खिजर खैरुद्दीन पाशा शहजादे मुस्तफा के सबसे बड़े तरफदार हैं, और ये बात तो हर कोई अच्छी तरह जानता है पाशा, और फिर वो बहुत जल्द ताल्लुकात की खराबी दुरुस्त कर देंगे। अमीरुल बहर पाशा का असर रसूख हर कोई जानता है सुंबुलावा, बिल्कुल मकतूल इब्राहिम पाशा की तरह। तुम मलिका से जाकर कहना की फिक्रमंद ना हो बिल्कुल भी, जो भी हो जाए मेरा चलाया हुआ तीर ठीक निशाने पर लगा है। शहजादे मुस्तफा पर दोबारा हर्फ आ गया। सफर जंग पे जाना कब तक होगा पाशा, इसका फैसला हो गया क्या? जी, इसका फैसला हो चुका है शहजादे, और तैयारियां हो रही हैं। यकीनन आर्शिडोक फर्डिनेंड के गुस्ताख मुतालबे से आप तो बखूबी आशना होंगे, क्योंकि आपकी सफीर लाजकी से मुलाकात सबके इल्म में आ चुकी है। तो आपकी आमद का सबब यह है पाशा? आपको पाए तख्त ले जाने का हुक्म मिला है शहजादे। तो पढ़ने का फायदा ही क्या? इसीलिए तो मुस्तफा आपको पढ़ना है, हर चीज का इल्म होना चाहिए ताकि आप कोई गलती ना कर बैठे। बाबा, मुस्तफा भाई की आमद का सुना है मैंने। पाए तख्त बुलाया है, कुछ देर में आ जाएगा। सुनकर खुशी हुई, बरादर याद आते हैं मुझे। क्या कहेंगे माहे दौरा से? कहने के लिए कुछ भी नहीं है खजीना, जितना वो जानती है उतना ही हम भी। मुस्तफा को पाए तख्त क्यों बुलवाया है? क्या तुम वाकई कुछ नहीं जानती हो? शहजादी, मलिका माहे दौरा मिलने के लिए तशरीफ लाई है। खुश आमदीद माहे दौरा। शहजादे, खुश आमदीद। शहजादे, कैसी हो? अरसा दराज से मेरी नींद हराम हो चुकी, किसी भी पल सुकून नहीं। शहजादा महल गया है, वहां उसके साथ क्या होगा मैं कुछ नहीं जानती। रुस्तम पाशा, फर्डिनेंड के सफीर लाजकी की कोई खबर है आपके पास? मैं जानता हूं कि आप इस मसले पर तवज्जो दे रहे हैं। ये तो मुझे आप बताइए उसरेफ पाशा, लास्की पाया तक नहीं लौटा तो फिर शायद वो फरार हो गया।
या उसके साथ कोई हादसा पेश आ गया। दोनों सूरतों में उसका मुजरिम होना तो आश्कार है। मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हो? हुसरत पाशा पुरसुकून रहे, और आप भी रुस्तम पाशा, झगड़ने की जरूरत नहीं, और वो भी मेरे सामने। वजीर आजम मोहतरम, बादब शहजादे मुस्तफा तशरीफ ला रहे हैं। शहजादे मोहतरम, खुश आमदीद, रौनक बख्शी आपने। शुक्रिया सलमान पाशा, आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता था। आप आका के वकील मुतलक मुकर्रर किए गए हैं। आप सल्तनत आलिया के अजीम खिदमत के सबब हकदार हैं सौदे के। यह ओहदा रास आए आपको। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है शहजादे। हुसरेफ पाशा, ये बताइए आप खैरियत से तो है ना? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ शहजादे। अल्लाह ताला आका और शहजादे को हमारे सरों पर हमेशा कायम रखे। आमीन। शहजादे मोहतरम, आपको यहाँ एक बार फिर देखकर खुशी हुई मुझे, लेकिन मुझे आपको देखकर खुशी नहीं हुई। सब बरादर रियासतों में चले जाएंगे और मैं यहाँ तन्हा रह जाऊंगा। बरादर मेहमत ने मेरी दिलजोई की, कहा तुम जब चाहो मिलने आ सकते हो। क्या मैं जा सकता हूँ बाबा? अगर आप भी जाएंगे तो मैं भी साथ जाऊंगा बाबा, वरना आपको भी उनकी याद आएगी, क्यों है ना बाबा? बाबा, बाबा। बरादरान की रवानगी के बाद हम उनसे मिलने साथ जाएंगे। हाँ जरूर जाएंगे। आप क्यों परेशान हैं? तुम्हें कैसे मालूम हुआ? आपके चेहरे पर रौनक नहीं, परेशानी में मैं भी ऐसे ही हो जाता हूँ। जहांगीर, मेरे दिलेर शहजादे, चलो अब तुम अपने कमरे में जाओ। मुस्तफा को पाए तख्त बुलाने के लिए अमीरुल बहर पाशा की जरूरत नहीं थी। अगर शहजादे को बुलवाना था तो आका सिर्फ हुक्म ही कर देते, काफी था। आका ने यही मुनासिब समझा होगा। हमें मस्बत अंदाज में सोचना चाहिए। ये कैसे हो सकता है? हुर्रम और रुस्तम की साजबाज का नतीजा है ये शहजादी। हमारे लिए कोई बेहतर अमल नहीं आश्कार है। लुत्फ पाशा के साथ जो हुआ सबके सामने है। उस वाकई से हुर्रम का कोई ताल्लुक नहीं है माए दौरा। शाह सुल्तान खुद अलग होना चाहती थी उनसे। मुझे यकीन है कि वो इस रवैये के हकदार होंगे, लेकिन इस सलहदगी से हुर्रम के लिए फायदे के सिवा कुछ बरामद नहीं होगा। लुत्फ पाशा के ना होने से दरबार इसके जेरे असर हो जाएगा। मुझसे ताखिर हो गई अलहदगी में, उसकी जान ले लेती मैं। अस्मा खान को दुआएं दें। अच्छा, वो अस्मा खान शहजादी कहाँ है? अपने बाबा से मिलने के लिए दिमित होकी गई है। माहे दौरा, तुम्हारा कमरा तैयार है, तवील सफर से आई हो, कुछ देर आराम कर लो। यह आराम करने का वक्त नहीं है शहजादी। कहाँ जा रही हो तुम? मेरे लिए इंतजार करना सख्त दुश्वार है, महल जा रही हूँ मैं। जहांगीर। मुस्तफा बिरादर। जहांगीर, कितने बड़े हो गए हो तुम। आप भी बड़े हो गए हैं। बाबा मुंतजर हैं आपके।
ماریا کلفہ خیر تو ہے سنبلاغا کوئی پریشانی ہے کیا حرم سلطان کہاں ہیں یہ بتاؤ وہ کہیں گئی ہیں کچھ دیر میں آ جائیں گی مسئلہ کیا ہے ارے انہیں ڈھونڈو اور فوراً بتاؤ شہزادے مصطفیٰ محترم محل میں تشریف لا چکے ہیں اور آقا کے پاس گئے ہیں وہ یہ تو انہیں معلوم ہے مگر وہ آئے کیوں ہیں یہ معلوم ہو سکا آقا امیر البحر پاشا کو مجھے لانے کے لیے آپ نے منیسا بھیجا تھا لیکن میں بالکل سمجھ نہیں سکا کہ آخر اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی کیونکہ آپ کا ذاتی حکم اگر مجھے ملتا تو میں فوراً پہنچ جاتا میں نے یہی مناسب سمجھا آپ کو کیا بتایا گیا ہے مجھے نہیں معلوم لیکن ہنگری کے سفیر سے میری ملاقات آپ کے لیے ہرگز پریشان کن نہیں ہوگی میں نے اس سے تنہائی میں ملاقات نہیں کی لالا بھی میرے ساتھ تھے تمام باتیں تحریری شکل میں موجود ہیں سفیر صلح کے لیے میری مدد چاہتا تھا میں نے اس سے کہا کہ جنگ اور صلح کا فیصلہ صرف اور صرف آقا ہی کر سکتے ہیں اور اسے بھیج دیا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کہا مصطفیٰ تم نے دشمن ملک کے سفیر سے ملاقات کیوں کی اس کی آخر کیسے جرات کر سکتے ہو کیونکہ تم اس کا حق کسی طور نہیں رکھتے آقا نے کیا فیصلہ کیا یہ تو مجھے بالکل نہیں معلوم لیکن اگر وہ اپنے فیصلے سے خود آگاہ کرے تو اس کا مطلب ہے معاملہ سنگین ہے جہاں تک میرا خیال ہے شہزادے کو اپنے پاس بلوانے کا سبب ان پر شک بغاوت ہے اہم مسئلہ بھی یہی ہے نسو افندی مگر ہمیں منفی نہیں سوچنا چاہیے اس واقعے کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے ضرور اور سفیر لاسکی کو منیسا جان بوجھ کر بھیجا گیا تھا تحقیق کی تھی پاشا لیکن کچھ معلوم نہ ہو سکا لاسکی بھی پایا تخت آنے کے بجائے اپنے ملک فرار ہو گیا تحقیق کی کیا ضرورت ہے صاحب کون ملوث ہوگا ظاہر ہے رستم کا کام ہے یہ آقا کو اس معاملے سے باخبر رکھنے والا وہی ہے عافیت سے شہزادے کے بارے میں کوئی فیصلہ ہو جائے پھر اطراف کے بارے میں بیٹھ کر بات چیت کریں گے لیکن صورتحال ٹھیک نہیں سفیر کی آمد کی مجھے پہلے سے خبر نہیں تھی آقا وہ اچانک آ گیا ملاقات پر اصرار کیا تو میں نے اسے اس کی اوقات یاد دلانی چاہی تمہیں کئی بار ہدایت کر چکا ہوں قاعدے و قوانین کی پاسداری کا عہد کیا تھا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میری اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاؤ گے لیکن تم تین مرتبہ عہد شکنی کر چکے ہو آقا میں نے تو صرف آپ کی اور سلطنت عالیہ کی بہتری کے لیے ایسا کیا اپنی خطا پر آپ سے معذرت چاہتا ہوں آپ کو برہم نہیں کرنا چاہتا تھا میں مجھے تمہاری نیت پہ شک نہیں کوئی اور خطائیں تو سرزد ہو ہی جاتی ہیں لیکن اگر تم اپنی خطاؤں سے سبق سیکھو تو بہتر رہے گا اپنی پوری کوشش کروں گا آقا آئندہ مکمل احتیاط برتوں گا حالا اب ہم اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں تم جانتے ہو کہ ہنگری سے جنگ کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے تیاری ہو رہی ہے اس کے مکمل ہوتے ہی اللہ کی اجازت سے جنگ پہ روانہ ہو جائیں گے آپ کی فتح میں شامل ہو سکوں تو یہ میرے لیے عظیم اعزاز ہوگا آقا تم یہیں پائے تخت میں رہو گے استنبول کے محافظ کی حیثیت سے اور وزیر اعظم سلمان پاشا اناتولیا کے محافظ ہوں گے آپ جو کچھ بھی مناسب سمجھیں آقا اس کے علاوہ جنگ سے واپسی کے بعد تم پائے تخت سے منیسا نہیں بلکہ امسیا جاؤ گے کیونکہ آج کے بعد تمہیں امسیا میں صوبیدار کی حیثیت سے تعینات کیا جا رہا ہے با ادب ملکہ ماہ دورہ سلطان تشریف لا رہی ہیں ملکہ ملکہ خوش آمدید گلفام عفیفہ خاتون شہزادہ کہاں ہے
वो अख्तर काका के पास है मलिका। अगर आप मुनासिब समझे तो मेरे कमरे में चलें। पहले मैं शहजादे के मुतालिक मालूमात हासिल कर लूं। मेरे आका, आपके फैसले पर बहस नहीं कर सकता, लेकिन माजरा चाहता हूं, इस तायनाती का सबब क्या है? अगर ये मेरी सफीर से मुलाकात की सजा है तो जस्टिस की जरूरत नहीं है मुस्तफा। हरगिज ये कोई सजा नहीं, बल्कि ये तुम्हारे लिए इनाम है। अमस्या दियारे अजम और बुहरा अस्वत के करीब होने के सबब मनीषा से बहुत ज्यादा अहम रियासत है। सल्तनत आलिया की मुस्तकिल सरहदों के मुहाफिज बनोगे तुम। ब्रादर महमद की तैनाती का फैसला सुना, क्या वो फैसला आपका नहीं था? महमद के पास रियासत संभालने का तजुर्बा नहीं, तुम काफी अरसे से मनीषा में हो और काफी तजुर्बा हासिल कर चुके हो, हत्ता कि तुमने खुद को मेरी जगह रखकर भी कई फैसले किए हैं। आका, बस इतना काफी, अब तुम जा सकते हो। रियासत जाने से पहले शाही बगीचे में हमारे दरमियान तलवारबाजी हुई थी, उस वक्त आपने एक बात कही थी। जवां साल होने के साथ तुम अपनी मासूमियत खो रहे हो मुस्तफा, कितने अफसोस की बात है। मैं उस रोज तो आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ पाया था, लेकिन अब समझ रहा हूं। मैं बड़ा हो गया हूं और मेरी मासूमियत खो चुकी है। मलिका, शहजादे अब तक कमरे में है क्या? कमरे में है मलिका। मुस्तफा, मनीषा ये खबर भिजवा दें वालिदा, मेरी खुसूसी अशियाएं लाई जाएं। ऐसा क्या हो गया क्या करने? जंग से वापसी तक हम यहीं ठहरेंगे, उसके बाद मैं अमस्या जाऊंगा आपके साथ, क्योंकि अमस्या का सूबेदार तैनात कर दिया गया हूं। शहजादे, फिलहाल हुरम सुल्तान नहायत मसरूफ है, अगर आप चाहें तो किसी और वक्त। हाँ, वो बात करने के काबिल नहीं, किस तरह मेरा सामना करेगी वो? हुरम, हुरम, अल्लाह तुम्हें गारत कर देगा हुरम, महल में गुजरने वाला हर दिन हराम होगा तुम पर। सुना तुमने मैंने क्या कहा? मैंने कहा खुदा रे ऐसा ना करे, पर सुकून रहे खुदा रा। बहुत हो चुका गुलफा, मेरी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, बरसों तक इसने मुझे खून रुलाया है। दुखी ना हो मलिका, जरूर एक दिन हकदार को इंसाफ मिलेगा। हकदार को जरूर हक मिलेगा एक दिन, मेरी औलाद को दरबदर करने वाले जरूर अपने अंजाम को पहुँचेगी। दरबदर क्यों? तुम मलिका से कहना कि जो कुछ हुआ उस पर खामोश नहीं रहूंगी मैं, अल्लाह शाहिद है इसका।
हुरम का और उसके सब खिदमतगारों का बहुत बुरा हश्र होगा। मलिका पाशा मोहतरम, सूरत हाल का मालूम हो सका क्या? आका ने अपना फैसला बजाते खुद सुना दिया है तो फिर अब मुझे भी आपको बताने में कोई एतराज नहीं। शहजादे मुस्तफा मोहतरम को सरोहान रियासत से हटाकर आमसिया रियासत में तैनात कर दिया है। जंग से वापसी तक शहजादे मोहतरम इस्तांबुल के महाफिज के तौर पर महल में रहेंगे और मुझे अनातोलिया के महाफिज के तौर पर तोकत अर्तुकाबाद में रहना होगा। पाशा यह कैसा फैसला है? शहजादे का कोई भी तो गुनाह नहीं था, सूरत हाल से तो मैंने आपको आगाह कर लिया था। आका के फैसलों पर बहस करने की हमारी क्या मजाल है अमीरुल बहर पाशा? रुस्तम पाशा, मुझे नसीहत करने वाले आखिर तुम कौन होते हो? जब तुम इस्तांबुल की गलियों में गलाजत साफ किया करते थे उस वक्त मैं बोरा रोम का हाकिम था। तुम्हारी ये मजाल कि तुम मुझसे इस तरह बात करो? मेरा माजी नहीं, हाल मुलाहिजा कीजिए अमीरुल बहर पाशा। मैं पहले आका का वजीर अव्वल हूँ और इसके अलावा उनका इकलौता दामाद भी। आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। अजीम सल्तनत के वजीर आजम भी बन जाओ तो क्या फायदा? मेरी नजरों में जरा बराबर कीमत नहीं है तुम्हारी। तुम्हें इस मकाम तक कौन लाया है मालूम है मुझे? आज जो कुछ भी हो खवातीन की वजह से हो। पाशा मोहतरम, अगर आरजू हो तो हम चलते हैं, आप खुद को हल्का ना कीजिए। चलते हैं मालकोचो, लेकिन जाने से पहले एक बात और है। सब ये सुन ले और अच्छी तरह समझ ले, सोना जमीन पर गिरने से तांबा नहीं हो जाता। हमारे शहजादे सिपाहियों और लोगों के दिलों पर पूरी तरह राज करते हैं आज, चाहे कहीं भी रहे वो। तख्त के हमेशा सबसे ताकतवर वारिस रहेंगे। मत के पैदा होने वाले दिन उसे तख्त पर देखा था। सही वक्त आने पर आपको ही तख्त नशीन होना है मुस्तफा। दूसरी सूरत में तख्त भी, सल्तनत भी हुरम सुल्तान के हाथ में आ जाएगी। क्या यह मंजूर होगा आपको? राजी नहीं हूं पाशा, कभी राजी नहीं हो सकता इस पर। माहे दौरा बहुत गुस्से में थी, पहले ऐसा नहीं देखा उसे। चाहे कुछ भी हो जाए वो एतदाल बरतने पर मजबूर है। उसकी मदद करते हुए कतन कोई गलती ना कर बैठना खजीना। हुरम ने तुम्हें भी खौफ सदा कर दिया शायद। जब तक तुम जैसे लोग मेरे तराफ में होंगे हुरम यूं ही जीतती रहेगी। यानी असल मसला मैं हूं मुस्तफा। आओ। कहां रह गए थे? माजरत आका। सफरे हंगरी पर जा रहे हैं। महमत तुम मेरे साथ चल रहे हो। बाइस से शर्फ होगा आका। सलीम तुम्हें सफर में शामिल नहीं होगे, रियासत तुम भी नहीं जाओगे क्योंकि तुम दोनों को रियासत के लिए भेज रहा हूं। क्या मुझे भी आका? हाँ तुम भी। आपकी नवाजिश है आका, आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। इंशाल्लाह मैं तुम दोनों से राजी हूँ, अल्लाह भी तुम दोनों से राजी हो। आमीन। महमत तुम
सफर से वापस आने के बाद हिरासत के लिए जाओगे क्योंकि तुम्हें कहीं और भेजना है। बा अदब खजीना सुल्तान। मुस्तफा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ तुम्हें शहजादे? कोई बात हुई है क्या? मैंने जिंदगी भर आका की वफादारी की, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं की, लेकिन इसके सिले में मुझे क्या मिला? सिर्फ उनसे मोहब्बत की खातिर, उनका साथ देने की खातिर, उनकी हिफाजत की खातिर। मैं अपनी तमाम तर कोशिशें करता रहा, मैं देख रहा हूं शहजादी कदम ब कदम खुद को अंजाम के करीब जाते हुए। इब्राहिम पाशा के साथ जो जुल्म किया मुझ पर भी जरूर वही जुल्म ढाएंगे, मैं जानता हूं। मुस्तफा घबराओ नहीं, तू मुझे बताओ क्या हुआ है। अमसिया भेज दिया गया हूं शहजादी, आका ने मुझे अपनी जन्नत से निकाल दिया, अब मैं जहन्नुम में हूं। मुस्तफा शहजादे महमद तख्त तक रसाई वाली रियासत में जाएंगे अल्लाह का इज्जत मिला तो। हमारा रब आका की उम्र दराज फरमाएगा, लेकिन इस तरह तख्त नशीन के मुतालिक इल्म हो गया। संभुल आगा, कहाँ तैनात किया गया है शहजादे मुस्तफा को? पूछो मत। हुरम सुल्तान ने शहजादे को रियासत मिलने की खुशी में तकसीम करवाई है ये मिठाई, उनके लिए खैरियत की दुआएं कीजिए आप लोग। हुरम सुल्तान अपनी फतह का जश्न मना रही हैं। ऐसा ही है, माहे दौरान सुल्तान क्या मालूम किस हाल में है। शहजादे मुस्तफा के साथ बहुत ही बुरा हुआ, अफसोस हुआ शहजादे पर। खामोश हो जाओ सब, शहजादे मुस्तफा के मुतालिक बातें करने की तुम्हारी क्या मजाल। मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि चाहे कोई भी आ जाए वो हर के सुरम सुल्तान से जीत नहीं सकता। वल्लाह पूरी दुनिया भी एक तरफ हो जाएगी तो भी कोई फायदा नहीं होगा, मलिका की एक तिरछी नजर ही काफी है, हर चीज को खाक सर करने में कुदरत रखती है वो। क्या हो रहा है? ओहो मर जाना आका, अब तो बहुत कम ही दीदार नसीब होता है, लीजिए मिठाई खाइए और ताजा दम हो जाइए। तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? जब देखो खाते पीते रहते हो। मेरे काम के मुतालिक तुम मत पूछो, तुम बस अपनी खैर मनाओ। सूरत हाल सामने है, जिन पे तुम्हें तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे हैं। तुम्हारे पास मौका है, अपनी जान बचा लो वरना बता रहा हूँ पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी तुम्हारे। मेरे खुद से मुवाजना मत करो सुम्बुल, मैं तुम्हारी तरह रुख नहीं बदल लेता चलती हुई हवा के साथ अपना। मेरी ऐसी फितरत नहीं है, शुक्र है। जरा फितरत तो देखो इसकी, ये ऊंट तो पहाड़ तले आकर भी नहीं मान रहा। वालिदा का चेहरा खुशी से गुलनार हो गया, तुम्हारे लिए इतनी खुश है कि ऐसे दराज से उन्हें इतना खुश नहीं देखा। लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे मुझे। मैं अमस्या जाने पर भी तैयार था, न जाने क्या जरूरत पेश आ गई इस तब्दीली की, मेरे लिए नाकाबिले फहम है। तुम्हारे लिए आका ने यही मुनासिब समझा होगा, जरूर कोई मसलहत होगी इसमें। तुम एक जानशीन बन चुके हो और क्या चाहते हो? मसला ये नहीं है मेहरमा, मुस्तफा भाई को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, उनका सामना कैसे करूंगा मैं? तुम अपने दिल को पुरसकून रखो, तुम्हारा दिल साफ शफाफ है, हर कोई समझता है, मुस्तफा भाई भी, और ये तुम्हारा फैसला नहीं है। कुछ भी हो जाए ये हक तलफी है, उनके साथ ज्यादती है।
अगर मुस्तफा भाई तख्त नशीन हो गए तो क्या होगा जानते हो? मैं बताती हूँ तुम्हें। पहले ब्रादरान पर जुल्म करेंगे और फिर वालिदा और मुझे जिला वतन कर देंगे। नहीं, मुस्तफा भाई ऐसा नहीं कर सकते। ब्रादरान की जान नहीं ले सकते। हाँ, आज नहीं करेंगे लेकिन कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम। अहमद, ये मत भूलो कि कवायद और जवाबत हमारे काम करदा बिल्कुल नहीं। वालिदा जैसी बातें ना करो महरमा, सब यही कह रहे हैं कि फैसला उनकी वजह से ही हुआ है। महमद, अब मैं भी एक माँ हूँ, वालिदा की परेशानी को बेहतर समझ सकती हूँ। उन्हें कसूरवार ना समझो, उन्हें इल्जाम मत दो। उनकी एक ही ख्वाहिश है अपने औलाद की हिफाजत करना और कुछ नहीं, वो सिर्फ यही चाहती हैं। मुस्तफा, तुम्हारा दिल जल रहा है तो मेरा दिल भी जल रहा है मेरे बेटे, लेकिन ये आग हमें खाकस्तर करते, हम इसकी इजाजत हरगिज़ नहीं देंगे। कोई इंसान जब अपने किसी प्यारे को खोता है तो उसका दिल मोम की तरह जलता रहता है। अगर उसे बुझा दिया जाए तब भी वो जल उठता है और फिर रोजे महशर तक जलता रहता है। अमसिया जाने की मुझे परवाह नहीं वालिदा, मैंने आज रियासत नहीं अपने बाबा को खो दिया है। नहीं हरगिज तुम ऐसा मत सोचो, सब हुरम का किया धरा है, वो जहर घोल रही है आका के दिल में। इस सूरत हाल का भाई सब हुरम सुल्तान नहीं है वालिदा, आप ये तस्लीम कर लीजिए। वो जो दिल में आए कहती रहे, जो दिल में आए करती रहे। अगर आका उनकी बातों का एतबार ना करते तो हुरम को कभी भी हौसला नहीं मिल सकता था। मुस्तफा, मेरी तरफ देखो, मेरी निगाहों में देखो, हमने सब लोगों पर एतमाद करके देख लिया, आज के बाद सिर्फ हम होंगे, तुम और मैं, ना शाह सुल्तान, ना खजीना सुल्तान और ना ही कोई और। हर कोई अपने मुफाद के पीछे लगा है, हमारा हमारे सिवा कोई भी दोस्त नहीं है। हुरम का नस्ल को हम उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, उसे हम रोकेंगे। मेहमत पाशा हंगरी पहुंचने वाले हैं आका, इंशाल्लाह हमारे पहुंचने से पहले वो फर्डिनेंड को उसके अंजाम तक पहुंचा देंगे। इंशाल्लाह, कोई और बात नहीं तो तुम जा सकते हो। एक मसला और है आका, सलमान पाशा आपका फैसला सुनाने के लिए दीवान में आए थे, खजर खैरुद्दीन पाशा शहजादे के हक में होने वाले फैसले पर बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे और उन्होंने कहा कि शहजादे जहां भी चले जाएं हमेशा तख्त के हकीकी वारिस वही रहेंगे। दुरुस्त कहा है, मुस्तफा मेरे बड़े पिसर की हैसियत से तख्त का सबसे करीबी वारिस है, मेरा कोई फैसला उसे तब्दील नहीं कर सकता, लेकिन मुस्तबिल में क्या होगा ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है। बजा फरमाए आका, लेकिन आपके फैसलों पर बहस करने की कौन जुर्रत कर सकता है? मुझे भी सफीर वाला मसला आप तक पहुंचाने की वजह से धमकी दे रहे थे और बुरा भला भी कहा। आओ। आका, बेआराम कर रही हूँ। कैसी बेआरामी? मेरी जान सी बेटी मेरी जान आई है। मैं आपको जाने से पहले हुमाशा से मिलवाना चाहती थी। हुमाशा, मेरी बेटी, ये बात किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं की जा सकती। मुस्तफा की हिफाजत करनी चाहिए हमें, लेकिन उसकी बर्बादी का नजारा देख रहे हैं हम। हुरम आहिस्ता आहिस्ता अपना मकसद हासिल कर रही है। तुमने मुझे भी कई मर्तबा कुछ करने से रोक दिया, लेकिन जो कुछ तुमने किया उसका क्या फायदा? ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है खजीना।
हमें इसके बाद का, इसके बाद तो कयामत आ जाएगी। देख नहीं रही क्या तुम शाहबान, हमने सबको खो दिया, हर एक को। शहजादी, हम सिपाहियों में एक मिसाल दी जाती है, जब तक हाथ में तलवार है शिकस्त तस्लीम मत करो। आप क्या करेंगे हुस्रफ पाशा? पसपा इख्तियार करेंगे, दोबारा जंग करने के लिए पसपा होकर अपनी कुव्वत जमा करेंगे। इस मर्तबा खिज्र खैरुद्दीन पाशा भी हमारे साथ हैं। शहजादी, शहजादा महमद मोहतरम तशरीफ लाए हैं। महमद, मेरे दिलेर शहजादे, खुश आमदीद। शुक्रिया शहजादी। शहजादी, शहजादे मोहतरम, खुश आमदीद। शुक्रिया हुसरे पाशा, मुस्तफा भाई से मिलने के लिए आया हूं। शहजादी, वाली साहब, अल्लाह इन्हें खुशी अता करे। शहजादी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। पाशा, वाली साहब, खैर तो है, कहां से आमद हो रही है इस वक्त? जरूरी काम में मसरूफ था। मैं जानता हूं आपके काम, मैं खाने को मस्कन बना लिया है आपने। आपको शब बखैर शहजादी। आका वाली साहब को जरूरत से कुछ ज्यादा ही अहमियत देते हैं और ये खवातीन से दिल बहलाने में लगा हुआ है। पाशा चलते हैं, बहुत देर हो गई है, हमारे शाह को नींद आ रही है। तुम्हारे गम गुस्से को समझ रही हूँ, हुरम काली घटा की तरह छा गई है हम पर, लेकिन तुमसे मैं वादा करती हूँ मुस्तफा, काली घटा छट जाएगी, सूरज दोबारा तुलू होगा। अल्लाह ने हमें कितनी उम्र अता की है मालूम नहीं, लेकिन आका के ज्यादा दिन नहीं रहे आश्कार है। ऐसे तो ना कहो, ये शक को शुभा जहन से निकाल दो, क्योंकि हमें जिस चीज की जरूरत है वो है सब्र। इस अजीम सल्तनत का मुस्तकबिल तुम्हें हो, आज या कल हर कोई तुम्हारे आगे सर झुकाएगा। मेरा रब उस दिन कयामत तक हमें हौसला अता करे, क्योंकि हमारा रास्ता तवील और दुश्वार है। आओ। शहजादे, अगर मुखिल हुआ हो तो बाद में आ जाऊंगा। आओ महमद, वालिदा बस जाने ही वाली है। शहजादे। मलिका, खुश आमदीद भाई। शुक्रिया। तुम्हारे अलावा कोई नहीं आया क्या? नहीं, अभी तो मैं अकेला आया हूं, क्योंकि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आपके बाद बाबा ने हमें बुलाया था रियासत के मुतालिक गुफ्तगू की। मेहमत, आका ने जैसा भी मुनासिब समझा है हम कुछ नहीं कह सकते। बेशक, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे यह अंदाजा ना था कि मनीषा में तैनात किया जाएगा मुझे। मनीषा में तैनात हो गए? मैं समझा कि खबर होगी आपको। मुबारक हो मेहमत, मुबारक हो। मुझे माफ कर दीजिए, कसम खाता हूं मैं समझा था आका ने आपको बता दिया होगा। कोई बात नहीं मेहमत, इस सूरत हाल से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आप उदास क्यों हैं? आपकी खामोशी नाकाबिले फहम है, मुझसे आपके रवैये में गर्मजोशी नहीं बिल्कुल। हमारे ताल्लुकात खराब नहीं होने चाहिए। महल जाओ मेहमत, वालिदा परेशान होगी।
बिल्कुल तुम जैसी है मेहरमा, इंशाल्लाह तुम्हारी तरह खूबसूरत भी होगी। खूबसूरती क्या है, बस नसीब अच्छे हो। आमीन। तुम्हें आखिरी बार शादी पर देखा, जिंदगी में तुमसे ज्यादा हसीन दुल्हन नहीं देखी, और दुखी भी। वो दिन माजी का हिस्सा बन चुके हैं। शादी पर जिसे देखा था मैं, वो मेहरमा नहीं रही अब। सब कुछ बदल चुका है। तुम्हारे जज्बात समझ सकता हूं, यकीन करो समझ सकता हूं। तुम जिंदगी को नहीं बदल सकी, जिंदगी ने तुम्हें बदल दिया। माजरत शहजादे, आपकी आमद की खबर नहीं थी। अमशीरा और भांजी से मुलाकात करने आया था, कोई एतराज है क्या? हरगिज नहीं, तशरीफ आवरी मेरे लिए बाई से मुसर्रत है। मलिका, मरजान आगा, आगा को मेरी आमद की खबर दे दो। आपको जो हुक्म मलिका। आओ। आका, माह दौरा सुल्तान मोहतरमा तशरीफ लाई हैं। आने दो। मेरी आका। आओ माहे दौरा, करीब आओ। खुश आमदीद, कैसी हो? ठीक नहीं हूं आका। कौन सी वालदा अपनी औलाद के जिला वतन होने पर ठीक रह सकती है? आपके पाए तख्त में कुछ अरसे कयाम का सुनकर मुझे खुशी हुई शहजादे, आपके होने से हौसला मिलेगा। उस वाके के सबब जंग पर जाने के बजाय इस्तांबुल में कुछ अरसा रहना चाहता हूँ मैं। मैं भी जाते वक्त मुतमईन होकर जाऊंगा शहजादे, मुझे कोई फिक्र नहीं रहेगी। ये कैसी जुर्रत है? क्या तुम नहीं जानती कि मेरे फैसलों पर बहस ममनू है? माजरत, कतन मेरी ऐसी कोई नीयत नहीं, मैं सिर्फ एक बात जानना चाहती हूँ। मुस्तफा आपकी औलाद है और आप उसे बहुत चाहते हैं, मैं जानती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई शक है क्या तुम्हें? मुझे तो अब हर चीज पर शक होने लगा है। जिंदगी इस तरह गुजर रही है कि जहन में बहुत कुछ आता है। शहजादे की गलती नहीं, मैं नहीं कहती, बिल्कुल है, लेकिन कौन सा शहजादा गलती नहीं करता? एक जमाने में आप भी मनी समय थे, वहां आपने क्या नहीं किया, मैं इसकी शाहिद हूँ। लेकिन एक बार भी मरहूम सुल्तान सलीम खान से बगावत नहीं की आपने, आपने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। तुम इन बातों को क्यों दोहरा रही हो? मेरे किए गए फैसलों का इन सब से कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर आपके इस फैसले से क्यों आपकी औलाद को इस कदर रंज पहुंचा? वो सोच रहा है कि उसने आपको खो दिया। आका, अल्लाह शाहिद है कि शहजादे को आपसे मोहब्बत है और इतनी ज्यादा है कि आपको इसका अंदाजा नहीं। खुदा रहा ऐसा मत कीजिए, उसका दिल मत तोड़िए। तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना जरूर कहूंगा माए दौरा, ना मैंने अपनी औलाद को खोया है और ना ही मेरी औलाद ने मुझे। ये उसके लिए कोई सजा बिल्कुल नहीं। याद रखो कि अमस्या सल्तनत आलिया की सबसे अहम रियासतों में से एक है। हमारे मरहूम बुजुर्ग सुल्तान बियाजत खान अपने दौर में वहां के सूबेदार रह चुके हैं। आका, आपसे दरखास्त है, अपने फैसले पर एक मरतबा नजरसानी कर लीजिए। उस वाकये के पीछे तुम्हारा हाथ है मैं जानता हूं पाशा। शहजादे माजरत, आप क्या फरमा रहे हैं मैं समझ नहीं सका। उस सफीर को मेरे पास तुमने भेजा था,
बाद में इल्जाम लगाकर आका को मेरे खिलाफ कर दिया, ऐसा ही है ना? हरगिज नहीं शहजादे, मेरी क्या मचाल है कि आपके खिलाफ कोई साजिश करूं मैं? आपसे जिसने भी ये कहा है सब झूठ कहा है। तुम्हें हिदायत की थी रुस्तम, कतन ऐसे मामलात में दखल ना दो क्योंकि अब तुम इस खानदान के दामाद हो। शहजादे खामोश रहकर मेरी बात सुनो, तुम जिसकी भी खिदमत कर रहे हो उससे कहना ये मत समझे कि जो कुछ भी किया है उसका बदला नहीं लूंगा। मेरा फैसला हतमी है, इसमें सबके लिए बेहतरी है, तुम जा सकती हो। मुझे महसूस होता है कि मैंने जो कुछ भी कहा वो सब फजूल था। इस फैसले के पीछे किसका हाथ है मालूम है मुझे। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरी समाज तक जो अफवाहें पहुंची हैं उनका जिक्र कर रही हूँ आका। उन अफवाहों के मुताबिक हुरम सुल्तान ने बहुत बरसों से जानबूझकर महमद को रियासत जाने से रोका है। आप तो जानते हैं शहजादे की उम्र 20 बरस हो चुकी है, सबके मुताबिक ये सब इसीलिए हुआ है। उनका मनीषा जाने का वक्त है आका, सब यही कह रहे हैं। तुम अब जा सकती हो, दोबारा नहीं देखना चाहता तुम्हें। मलिका अब ठीक तो है? आनाटी से आप परेशान ना हो शहजादे, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। सूरत हाल अच्छी नहीं है अमीरुल बहर पाशा, जानते हैं मेरे लिए आपका साथ जितना काबिल फखर है दूसरी तरफ उतना ही परेशान कुन भी है। इसका क्या मतलब है शहजादे? मेरी वजह से किसी को नुकसान पहुंचे मैं नहीं चाहता, खासतौर पे आपको। अब क्या कीजिए ए दिले चार ओ लाचार, हर एक ने साथ छोड़ दिया, मैं तन्हा गिरफ्तार। एक साया है फकत सहर होने को है ऐसा की, अब तू ही है मेरा गमगुसार। हुरम हर जगह है, आका के साथ तन्हाई में मुलाकात का भी कोई फायदा नहीं, हर बात उस तक पहुंचती है। और जाहिर है कि आका को भी सूरत हाल से शिकायत नहीं। तुम्हें क्या उम्मीद थी? उसने आका को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, रुस्तम एक तरफ है और वो दूसरी तरफ। अफसोस, जब तुम अपनी मर्जी चलाओगे तो यही सब होगा, लेकिन असल मसला मेरी औलाद का मुस्तकबिल है। आप क्या चाहते हैं, हाथ पर हाथ धरे इंतजार करती? मुस्तफा कौन है ये तुम हमें समझाओगी? तुमसे ज्यादा दुख हमें हुआ है। तो मेरी मदद कीजिए शहजादी, कुछ ना कुछ तो करना होगा। आका अनकरीब सफर पे जाएंगे, उस दिन तक कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। उसके पास क्या करना है हम उसका फैसला करेंगे, समझ गई खजीना तुम? शहजादी, शाह सुल्तान के कहने के मुताबिक क्या हम इंतजार करेंगे? मालूम नहीं माए द्वारा। शहजादी गलत ना समझिएगा, लेकिन शाह सुल्तान बहुत पहले अपनी शिकस्त कबूल कर चुके हैं, उन्हें हमें रोकने की इजाजत मत दीजिए। क्या कहना चाहती हो तुम? मरहूम इब्राहिम पाशा का इंतकाम लेने की कसम खाई थी आपने, लेकिन आपने कुछ भी नहीं किया। सच तो यह है कि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी। लुत्फा पाशा की बर्तरफी के बाद खौफजदा होकर पीछे हट गई। पाशा का खून अब भी ताजा है, बाद में आप पर तशद्दुद करके जंगल में फेंकवा दिया और अब मुस्तफा को जलावतन करवाया। शहजादी
आप यकीन करें, अगर हमने कुछ नहीं किया तो मेरी औलाद का खून कर देंगे वो। क्या आपका जमीर गवारा करेगा इसे? सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। अमीरुल बहर पाशा, फरमाइए आका। सफर की तैयारियों की क्या सूरत हाल है? मुझे उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। सच शुक्र के तैयारियां मुकम्मल होने वाली हैं आका। मेहमत पाशा की तरफ से भी खबर आ गई है, उन्होंने लिखा है कि चंद दिन में हंगरी पहुंच जाएंगे। आला आला। लोगों से गुफ्तगू के दौरान एहतियात बरतो पाशा, खास तौर पर तख्त के वारिस के मुतालिक बात करते हुए, क्योंकि तुम्हारी कही गई हर बात मेरी समाज तक पहुंचती है। शुक्र है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जिसे आपसे खुफिया रखा जाए। ये बात फैलाने वाले भी मौजूद हैं कि इस वाकये के बाद शहजादे मुस्तफा आपकी नजरों से गिर चुके हैं। मैंने उन्हें तंबीह की है ताकि वो लोग अजीम आका की औलाद के बारे में इस तरह की बातें करने से गुरेज किया करें। फर्डिनेंड की सपा कले के दरवाजे तक आ पहुंची है मलिका। हमारे सिपाही तनदही के साथ मुकाबला कर रहे हैं। जहां तक हो सका वो मुकाबला करेंगे, लेकिन मजीद कितना मुकाबला कर सकेंगे मैं नहीं जानता। तुम हर हाल में मुकाबला करोगे मार्टिनी जी, हम मजबूर हैं। बिल्कुल मलिका, तुर्क लश्कर के आने तक कले को हम महफूज रख सके तो फर्डिनेंड को शिकस्त दे देंगे। अगर ऐसा ही है तो दुआ मांगे कि वो वक्त पर पहुंच जाए। शहजादी आप कैसी? बाली साहब क्या हुआ है, क्या महल से कोई खबर लेकर आए हैं? घबराए मैं शहजादी, परेशानी की बात नहीं। मेरी गैर मौजूदगी में अपनी आंखें खुली रखना खातून। महरमा सुल्तान को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ना, उनकी तमाम सरगर्मियों से आगाह करती रहना मुझे। सलीम और बयाजत मुसलसल झगड़ते रहते थे, लेकिन अब एक दूसरे को याद करेंगे। सच कहा, बास वक्त जुदा रहना साथ रहने से अच्छा होता है, इंसान मोहब्बत की कीमत जान लेता है। पाशा, खैरियत तो है वाली साहब, यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? आका हमसे पहले ही रवाना हो चुके हैं पाशा, सोफिया फौरन पहुंचने का हुक्म फरमाया आपको। अनातोलिया के सूबेदार भी वहां मौजूद होंगे, उनके साथ ही आप आगे बढ़ेंगे। निश्क एतराफ में आप आका का इंतजार करेंगे। शहजादों की रवानगी से कभी मैं भी उनसे मिलना चाहूंगी। अमीना तुम आयशा को सुला देना, उसके पास ही रहना। आपका जो हुक्म शहजादी। रुस्तम पाशा। शहजादी। शहजादी मैं भी आता हूँ। मेरे महल के अतराफ तुम कुछ ज्यादा ही नजर आने लगे हो बाली साहब, ये सिलसिला आप खत्म कर दो तो बेहतर है। क्या मतलब है पाशा, आप मुझ पर किस बात का इल्जाम लगा रहे हैं? मुझे जो कहना था कह दिया बाली साहब, मेरे महल से दूर रहो। मैं जा रहा हूं, लेकिन मुझे आपकी बहुत फिक्र रहेगी शहजादी। आपसे गुजारिश करता हूं कि गुस्से में आकर कोई गलती ना कर बैठिएगा। इत्मीनान रखिए पाशा, मैं तन्हा नहीं, आपके वापस आने तक यहां नहीं, शाहुबान के पास रहूंगी। इससे थोड़ा ही सही, मगर इत्मीनान रहेगा मुझे, मेरे नायब अली आगा यहीं रहेंगे शहजादी। अली आगा।
शहजादी, पाशा। अली आगा बोस्निया से आए हैं शहजादी। मैं जब वहां पर था मेरे बेहद वफादार थे। ये मेरी परसों से खिदमत कर रहे हैं। हर तरह के मसले पर आप इन पर भरोसा कर सकती हैं। आला। लड़कियों, अल्लाह के वास्ते जल्दी करो। ओहो, देर मत करो, जल्दी जल्दी। तुम कहाँ से आ गई? शहजादे सलीम के हरम में थी आगा। अच्छा ठीक है, अब जल्दी करो। और तुम? बियाजत मोहतरम के हरम में थी आगा। हाय मेरे अल्लाह, कोई मुझे बताए ये फारिहा काल्फा कहाँ रह गई? जो भी लड़की मिली उसे यहाँ लेकर आ गई वो। आगा चलो ये सामान उठाओ और इसे फौरन लेकर जाओ यहाँ से। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी करो, अल्लाह के वास्ते तुम सब देर ना करो। अफीफा खातून। संभल आगा, तैयारियां मुकम्मल हो गई होंगी मुझे उम्मीद है। हो गई, मुकम्मल हो गई, लेकिन इसके साथ मैं भी खत्म हो गया। वल्लाह इतने काम है, हलाक हो गया हूँ, हलाक। शिकायत ना करते तो मुझे तुम पर हैरत होती। हुरम सुल्तान और शहजादे ख्वाबगाह की तरफ गए हैं, रवानगी की रस्म शुरू हो गई है। तुम भी शाही बागीचे जाओ और आगाओं के पास खड़े रहो। जो हुक्म। रुकिए फीफा खातून, आका के जाने के बाद माहे दौरा सुल्तान और शहजादे मुस्तफा मोहतरम के महल में ही रहेंगे? फिर वो और कहाँ रहेंगे? हाँ लेकिन दरअसल वो हुरम सुल्तान इस बारे में काफी फिक्रमंद है कि उन पर कोई मुसीबत ना आ जाए। हम आखिर यहाँ किस दिन के लिए हैं सुम्बल आगा? हादसों को रोकेंगे। बिल्कुल। आका के वापस आने तक किसी को भी कोई नुकसान हरगिज नहीं पहुँचेगा। इंशाल्लाह सब बेहतर ही होगा। पाशा, काजी साहिबान को जमा करके सूरत हाल के मुतालिक तफसीली गुफ्तगू की। जंग के दौरान पाए तख्त के लिए हर तरह की तदाबीर कर ली गई हैं। कोई भी परेशानी होगी मेरा नहीं ख्याल। आला अबू सऊद साहब, शहजादे मुस्तफा मोहतरम यहाँ मौजूद हैं। पाए तख्त हर वक्त उनकी निगरानी में रहेगा। पाशा, लुत्फ पाशा के जाने के बाद मैं खाने और कहबा खाने हुक्म दूली करने लगे हैं। जाने से पहले कोई हुक्म जारी कर देते तो काजी साहिबान उसका तदारुक कर लेते। जंग पर जाते वक्त याद दिलाइएगा मुझे, हम सलाह कर लेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गैर मौजूदगी में कोई हादसा पेश आए। यही हम सबकी ख्वाहिश है पाशा। पायतख्त में 3000 यनिचर छोड़े गए हैं। अल्लाह ना करे अगर कोई बगावत हो गई तो शहजादे उसको कैसे रोक सकेंगे। मैं यहाँ पर अपनी कड़ी नजर रखूंगा पाशा, परेशानी की कोई बात नहीं। हुसरत पाशा, मैं समंदर की हुदूद में रहूंगा, आप फिक्र ना करें। अगर कुछ भी हुआ तो हवा के दोष पर बागबान खोलकर मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा। दर्शी अली, बहुत मोहतात रहना, शहजादे को हरगिज अकेला ना छोड़ना। अगर कुछ होता है तो जैसा मैंने कहा फौरन खबर भेजना मुझे। आप तसल्ली रखें पाशा, मुझे दरअसल माहिद और सुल्तान की फिक्र है, वो बहुत गुस्से में है। उनसे बात करो, उनसे कहना मैंने भेजा है तुम्हें। तस्जी अली, कतल कोई गलती ना करना वरना मैं शहजादी की हिफाजत नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह आका के रास्ते आसान करे, तलवार को काटता रखे। आमीन। जहांगीर, तुम वालिदा के पास जाओ, मैं भी आ रही हूं। अफीफा खातून, मेरा कमरा तैयार है ना? तैयार कर दिया क्या है मलिका, किसी चीज की कमी या जरूरत हो तो मुझे आगाह कर दीजिएगा। शाह सुल्तान के पास रहेंगी आप, मैं ये समझी। मेरा बेटा जहां रहेगा मैं भी वहीं रहूंगी। क्या हुआ मेहरमा, तुम्हें कोई एतराज है क्या? नहीं, अगर चाहें तो आप ही आ जाएं शहजादी, इस तरह हम मिलते रहेंगे, क्योंकि आका के सफर से वापसी तक मैं भी यहीं हूँ। वालिदा को तन्हा नहीं छोड़ूंगी मैं, मालूम है जब सफर पर जाते हैं तो कोई ना कोई मुसीबत हो जाती है। कहना क्या चाहती हो तुम, अपनी वालिदा को किससे बचाना चाहती, क्या हमसे?
किससे ये बिल्कुल अहम है। आका की गैर मौजूदगी से फायदा उठाकर वालिदा पर हमला किया तो फिर अल्लाह शाहिद है कि मैं इस पर खामोश नहीं रहूंगी। बिल्कुल इस कमरे में जो भी है सबकी जान जाएगी, सबकी। देख लिया ना सबने किस तरह से धमकी दे रही थी। अफसोस खजीना, महल चलते हैं। अफीफा खातून, हरम की जिम्मेदारी आप पर है। आका की वापसी तक कोई भी हादसा नहीं होना चाहिए। आप इत्मीनान रखिए शहजादी। ये जंग मुबारक हो आपकी तलवार कारदार हुआ का। आमीन। पाए तख्त तुम्हारी अमानत में है मुस्तफा, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। आपकी भी आका। मलिका इज़ाबेल, शुक्र है कि हम बच गए। अहमद पाशा अपने 20,000 सिपाहियों के हमरा हमारी मदद को पहुंच गए। यीशु मसीह तेरा बहुत शुक्र है। अहमद पाशा ने फर्डिनेंड के लश्कर पर पूरी तरह काबू पा लिया। फर्डिनेंड के सिपाही दो तरफा आग के दरमियान फंस गए। बहुत शुक्र है कि हम बच गए, बहुत शुक्र है। अल्लाह की रजा से मोहम्मद पाशा ने हंगरी किले पर पहुंचकर मुहासा खत्म करके कब्जा कर लिया है, ये खबर मौसूल हुई आका। आला, तो फिर फौरन मोहम्मद पाशा के लिए कासिद रवाना करो, सूरत हाल का तफसीली जायजा लेकर आए। जैसे आपका हुक्म। आका कहें उस्ताद चलेबी। मालूम ही है कि हंगरी में एक कलीसा है, मरियम का कलीसा। अजीम रब ने नसीब किया अगर दोबारा हंगरी गए तो उस कलीसा को मस्जिद में तब्दील करने का मशवरा दूंगा आपको। पहली नमाज भी वहीं अदा की जाए और फतह की नमाज भी वहीं अदा की जाए। मेरे ख्याल में हंगरी मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लेने का भी फैसला नहीं हुआ उस्ताद चलेबी, लेकिन आपका मशवरा माकूल है। इंशाल्लाह मिलकर नमाज अदा करेंगे। इंशाल्लाह मेरे आका, इस्लाम के लश्कर के सर पर जब तक आप जैसे अजीम आका मौजूद हैं, हमारा सर कभी झुक नहीं सकता। आमीन। अगर और कुछ नहीं कहना तो आप लोग जा सकते हैं। मेहमत, तुम ठहरो। आका, पाए तख्त से निकलने के बाद से तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी, किस बात पर रंजीदा हो? शहजादी, शहजादी। आहिस्ता बोले। शहजादी, माजरत बगैर इजाजत ही अंदर आ गया मैं। अगर मसला अहम न होता तो। खैरियत तो है, क्या हो गया? कोनिया से मक्तूब आया है आपके लिए। शहजादे सलीम के मुतालिक इसमें मालूमात भेजी गई है। कोई बुरी खबर तो नहीं? इस मक्तूब के मुताबिक शहजादे सलीम की तबीयत नासाज है, सूरत हाल ठीक नहीं है कुछ। ऐ खुदा तू हिफाजत फरमा, कोई परेशानी की बात है कि शहजादी? मालूम नहीं मुझे, वालिदा को फौरन अपने पास बुलवाया है। काफी रोज से आपके फैसले के बारे में सोच रहा हूँ। बरसों भाई ने वहाँ कामयाबी से निजाम कायम रखा, वहाँ हर कोई मुस्तफा भाई को चाहता है,
उनसे मोहब्बत करता है। तुमसे भी मोहब्बत करेंगे वो लोग। आका मैं माजरत, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई की हक तलफी हो रही है। मेरा दिल चाहता है कि इंसान चींटी का भी कत्ल ना करे, गलती ना करे, दिल ना तोड़े, लेकिन ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है महमत। अगर मुझ जैसा इस जहां का बादशाह भी हो तो सबको खुश नहीं रख सकता। मैंने तुम्हें सरोहान रियासत में तैनात किया है क्योंकि मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा करता हूं। तुम जरूर कामयाब होगे, बिल्कुल अपने ब्रादर की तरह। सल्तनत आलिया की बका हर चीज पर मुकद्दम है पिसर। उमूर सल्तनत में जाती नाराजगी का गुजर नहीं। कोई भी किसी के साथ इस बिना पर शफकत रवान नहीं रख सकता, कभी भी नहीं। लेकिन याद रखना कि अगर तुमने कमजोरी दिखाई, रहम दिली बरती, नरमी बरती, तो वहीं से तुम पर वार किया जाएगा और ये सब कुछ तुम्हारी कमजोरी से फायदा उठा के किया जाएगा। शहजादी संबुलाखा, क्या आपने हुरम सुल्तान को शहजादे सलीम की तबीयत का बता दिया? हाँ, तैयारी करो वालिदा, कल सुबह ही कौनिया रवाना होना चाहती हैं मेरे ब्रादर के पास। कैसे हो सकता है शहजादी, और शहजादे मुस्तफा मोहतरम क्या कहेंगे? कतन इजाजत नहीं देंगे जाने की उनको। उनसे मैं बात कर लूंगी, तुम फिक्र ना करो, तुम बस तैयारी करो जाने की। या अल्लाह, तो शहजादी की हिफाजत फरमाओ, जल्द से जल्द सेहतियाब कर दे उनको। शहजादे मोहतरम, इजाजत दें तो एक जरूरी मसला गोश गुजार करना चाहता हूँ। शहजादे, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। आने दो इसे। क्या कहना चाहते हो बताओ? हमारे अजीम बादशाह ने आपको सरोहान का सूबेदार तैनात कर दिया है। सिपाही आपस में क्या बातें कर रहे हैं मैं अच्छी तरह जानता हूँ। शहजादे मुस्तफा के साथ हक तलफी हुई है, मैंने उनकी जगह ली है, वो ये सोच रहे हैं। तुम भी ऐसा ही सोचते हो क्या? हरगिज नहीं शहजादे, किसकी मजाल के शहजादों में फर्क पड़ते। मैं तो इस तायनाती पर अपनी खुशी का इजहार करता हूँ क्योंकि मैं अमन के वक्त से मनीषा में रह रहा हूँ। यकीनन मनीषा के अवाम आपसे भी उतनी ही मोहब्बत जाहिर करेंगे। इंशाल्लाह मैं भी इस लायक बनूंगा। नाम क्या है तुम्हारा? मैं इलियास हूँ, आपका गुलाम शहजादे। ये क्या है शहजादे? ये एक घोड़ा है। क्या ये मुकम्मल नहीं हुआ, इस वजह से अधूरा है अभी, लेकिन जैसा मैं चाहता हूँ अगर वैसा बना सका तो शानदार घोड़ा बनेगा। तो मुकम्मल होने पर मैं इसे देखना चाहूंगा, इंशाल्लाह शानदार ही बनेगा शहजादे। बारहा, तुम क्यों नहीं जा रही वालिदा के साथ? मुझे आपके पास रहने का हुक्म फरमाया है शहजादी। सुम्बुलाखा, शहजादी आप फिक्र न करें, बिल्कुल हिफाजत से जाकर वापस आने के लिए हर तरह की तदबीर कर ली गई है। ऐ मेरे रब, इन्हें हर मुसीबत से बचाना। आमीन। आओ शहजादे। रशी अली, मैं ताजरों की सूरत हाल जानने के लिए जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। आपका जो हुक्म शहजादे। हुरम सुल्तान सुबह सवेरे महल से कहीं चली गई हैं। मेरा ख्याल है कि आपको मालूमात दी गई होगी। नहीं, कहाँ गई है वो? कहीं मस्जिद के दौरे पर तो नहीं गई? शायद कोनिया गई हैं। क्या जरूरत पड़ गई इसकी? मेरी इजाजत के बगैर वो कैसे जा सकती है? शहजादे, मैं समझ रहा था आपको मालूम होगा, क्योंकि खबर आई थी कि शहजादे सलीम की तबीयत कुछ नासाज है। क्या हुआ सलीम को? उनकी बीमारी का सुना है शहजादी। अल्लाह तो उसकी हिफाजत फरमाना। क्या हुआ है शहजादी को? कोई मालूमात नहीं, लेकिन हुरम सुल्तान ऐसे उजलत में गई हैं तो सूरत हाल संगीन है। अल्लाह तो हिफाजत करना उसकी। वो अकेली कैसे रह सकती है? उम्मीद है शहजादी को खबर करती होगी। किसी को भी खबर दिए बगैर गई है मलिका। शहजादी को मालूम होगा तो यकीन नाराज होंगे। औलाद है वो, आखिर कैसे रुक सकती थी? उसे देखे बगैर आराम नहीं आएगा। वो तो ठीक है, काश कि हमें भी खबर होती, मैं भी साथ चली जाती।
इजाजत दीजिए, मैं महल वापस जाना चाहता हूँ। अब मेरी बग्घी तैयार करवाओ मरजान, हम भी चलते हैं। मेहरमा बहुत परेशान होगी अकेली। तुम फौरन रवाना हो जाओ तशी अली, हुरम सुल्तान को महल वापस लेकर आओ। आपका जो हुक्म, लेकिन वो वापस आना नहीं चाहेंगी। जरूरत पड़ने पर जबरदस्ती लेकर आ जाना तुम। रस्ते में अगर उन्हें कुछ हो गया तो आका को मैं क्या जवाब दूंगा? आओ। शहजादे, इस तरह आने पर माजरत चाहती हूँ। मेहरमा, अभी खबर मिली है मुझे, सलीम बीमार है क्या? सलीम काफी रोज से बीमार है, वहाँ के हकीम भी नहीं समझ पा रहे। वालिदा यहाँ से हकीम को लेकर गई हैं। ये मुनासिब नहीं है मेहरमा, मुझसे जो कुछ भी हो सका करूँगा अपने बिरादर के लिए। तशी अली हुरम सुल्तान को वापस लेने जा रहा है। नहीं शहजादे, ऐसा ना कीजिए, वालिदा उसे देखे बगैर नहीं रह सकती। सलीम उनसे मिलना चाहता है, इसीलिए बुलाया है। आप तो जानते हैं वो उनसे कितना प्यार करता है, और वालिदा के सिवा किसी और पर एतमाद भी नहीं उसको। वो उसके पास रहेंगी तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, परेशान मत हो, सलीम ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, जल्द ही हम अच्छी खबर सुनेंगे। कतन नहीं घबराइएगा शहजादे, आप बहुत अच्छे सूबेदार बनेंगे, और मैं भी हर तरह से आपकी मदद करूंगा, और लाला भी आपकी मदद के लिए मौजूद होंगे। घबराया नहीं हूँ, डर रहा हूँ आका को मेरी वजह से कोई शर्मिंदगी ना हो। बाली साहब, आपके लिए अहम मक्तूब आया है। सरोहान बहुत अहम रियासत है, मुझे वहां जाने से पहले दिल लगाकर मेहनत करनी होगी। मैं आपकी मदद करूंगा, इजाजत चाहता हूं शहजादे। शहजादे मोहतरम, लकड़ी का जो घोड़ा बना रहा था वो मुकम्मल हो गया है, इजाजत हो तो आपको दिखाना चाहता हूं। लाओ जरा, मैं भी तो देखूं। किसकी जानिब से आया है ये मक्तूब? क्या हुआ पाशा, क्या आप मेरी निगरानी कर रहे हैं? जो पूछा है वो बताओ मुझे। ये एक जाती मक्तूब है, इसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। बाली साहब, रुस्तम पाशा, बाली साहब, आका ने आप दोनों को बुलवाया है। खैर होगी इंशाल्लाह। रुस्तम पाशा हसद से जल रहा है, ये मक्तूब मेहरमा सुल्तान की तरफ से आया है उसके ख्याल में, जबकि ये मेरे घर से आया है, मेरे ब्रादर ने लिखा है। तो फिर उसे ये बता देते। जरूरी नहीं है बताना। क्या आपको पसंद आया? हाँ, मुझे बहुत पसंद आया है, तवज्जो और मोहब्बत से बनाया है तुमने। आपके लायक तो नहीं शहजादे, लेकिन मुझ नाचीज की तरफ से ये कबूल फरमाए मुझे बेहद खुशी होगी। आला, क्या हम पहले भी कभी मिल चुके हैं? नहीं शहजादे, लेकिन मुझे आपको पहली मर्तबा कोरफो में जंग के दौरान देखने का एजाज हासिल हुआ। वेनेदिक वालों पर जब घात लगाकर हमला किया, उस दिन मालको चौपाली साहब के साथ निहायत बहादुरी से मुकाबला किया था। हाँ, मेरा पहला सफर था वो। मेरा भी शहजादे, इंशाल्लाह आका की तमाम फुतूहात में आप भी कदम ब कदम उनके साथ कारनामे सर अंजाम देंगे। आमीन। कोई और बात नहीं तो तुम जा सकते हो। शहजादे मोहतरम, मेरे आका माल खो चुका है, तशरीफ ला रहे हैं आका। मेरे आका,
सब मौजूद हैं। अब आप बताइए मेहमत पाशा, हमारे लिए क्या मालूमात लेकर आए हैं? आका, जब हम किले पर पहुंचे तो फर्डिनेंड और उसके सिपाहियों ने हमारा रास्ता रोक लिया। किला गिरने ही वाला था, लेकिन अल्लाह की रजा और ईमान की ताकत से हमने गनीम के लश्कर पर दो तरफा हमला किया और उस पर गालिब आ गए। फर्डिनेंड अपनी गिरफ्तारी के खौफ से अपनी सिपाह के हमरा फरार हो गया। बिल्कुल, फर्डिनेंड से यही उम्मीद की जा सकती है। मलिका इजाबेल से मुलाकात करना चाहिए, लेकिन उन्होंने हंगरी के किले का दरवाजा हमारे लिए खोलने से इनकार कर दिया। वो बाखलूस आपकी तशरीफ आवरी की मुंतजर है आका, मुझे बस यही पैगाम दिया उन्होंने। अगर ऐसा ही है फिर मलिका इजाबेल को इंतजार करवाना मुनासिब नहीं होगा। कह दो वो जब चाहे मुलाकात हो सकती है। जो फरमान मेरे बादशाह सलामत का। मेहमत पाशा, इस फतह पर तुम्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। मांगो मुझसे जो मांगना चाहते हो। इस आलम के सुल्तान से अपनी तारीफ सुनना एजाज की बात है, मुझे और क्या चाहिए आका। तेरा जाम पीकर मैं झूम उठा, सब तन मन धन गवा बैठा। तेरी चश्मे रंगीन से जाम पीकर मैं शराबी बन गया। तब से होश गवा बैठा, मैं अपना आप गवा बैठा। हकीकत तू, मेरा ख्वाब भी तू, ख्याल जलाल जमाल भी तू। तुझे सोच सोच ये जहने रिसा, सब मासूमियत गवा बैठा। चश्मे यार एक बार उठी और मेरे सीने में बेवस्त हो गई। तब से मेरे दिल को करार नहीं, सब चैन करार गवां बैठा। तेरे महताब रुख से बागे हस्ती में रौनक कायम है। तेरे हुस्न ताबनाक के सामने मुहिब्बी अपना हुस्न गवां बैठा। तेरी चश्म जिंदगी, तेरी अदा है बंदगी, मैं खारगी ताबिंदगी। मलिका इजाबेल, खुश आमदीन। मालको चौपाली साहब। बाली साहब, आपका नाम बहुत सुना है, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। बिल्कुल बखैर हूँ, आका आपके मुंतजर हैं। आइए। मेरे आका, शाह सिगमंड ज़पोली और उनकी वालिदा मलिका इजाबेल आपके हुजूर शर्फ बारियाबी चाहते हैं। आने दो। हमारी मलिका शाह और हंगरी को बचाने के लिए अजीम तुर्क हुक्मरान की तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उसे मग़फ़िरत नसीब हो। यानूस ज़पोलिया हमारा वफादार साथी था, वो हमारी इताअत से कभी पीछे नहीं हटा, इसलिए हमने हमेशा उसका साथ दिया। उसके बेटे सिगमंड ज़पोलिया को भी फर्डिनेंड के सामने तन्हा नहीं छोड़ेंगे।
लेकिन आपके दिफा के लिए जो सिपाही आए आपने उन्हें किले में क्यों ना आने दिया? इजाजत दीजिए, हमारी मलिका इसका जवाब खुद देना चाहती हैं बादशाह सलामत। अजीम हुकुमरा, आपकी शुक्रगुजार हूँ। आपके सिपाही नहीं होते तो हम सब फर्डिनेंड के असीर बन जाते, लेकिन हमारी आवाम ने डर के सबब आपके सिपाहियों को अंदर नहीं आने दिया। तुर्क जहाँ अगर कदम रख दें तो वहाँ से नहीं जाती, ये मिसाल मशहूर है। सल्तनत आलिया के सुल्तान की हैसियत से आपके बेटे सिगिमंद ज़पोलिया को उसके बाबा के जानशीन के तौर पे कबूल करता हूँ। आपकी नवाजिश है अजीम बादशाह। अपनी शीर ख्वारगी के सबब इसके लिए अपना दिफा मुमकिन नहीं। ये हालत देखकर मैंने यहाँ अपनी हाकमियत का ऐलान करवा दिया। हमारे जाने के बाद फर्डिनेंड दोबारा आएगा, इस बिना पर हंगरी और अतराफ के इलाकों को तुर्क मुमलिकत में शामिल कर रहा हूँ। बादशाह सलामत। तुर्क सिपाही इस वक्त आपके किले में दाखिल हो चुके हैं और जरूरी इकदामात कर रहे हैं। मीनारों से आजान देने की सूरत में हंगरी के इस्लामी मुमलिकत होने का ऐलान करवा दिया है। सिगिमंद ज़पोलियो आज के बाद जानशीन के तौर पे तैनात कर रहा हूँ, हमेशा उसे हमारी हिमायत हासिल रहेगी। अजीम तुर्क हुक्मरान का हर लफ्ज हमारे लिए हुक्म का दर्जा रखता है। आज के बाद हंगरी के हर शख्स के जानो माल की हिफाजत करना सल्तनत आलिया की जिम्मेदारी है। हर किसी की जान, उसकी जागीर और मालो दौलत, गोदाम, जमीन और उनके जहाज, कश्तियां और उनके तमाम साजो सामान, उनकी औरतें और बच्चे, सब हमारी जिम्मेदारी है। आज तक अपने रस्म व रिवाज, अकीदों और अपनी रवायत के मुताबिक जिस तरह आप लोग इबादत करते थे, आइंदा भी उसी तरह अपनी इबादत जारी रखेंगे। अगर किसी ने भी रुकावट बनने की कोशिश की तो उस वक्त वो अपने मुकाबिल मुझे और मेरे शहजादों को पाएगा। सुल्तान के इंसाफ पर हमारा एतमाद अबदी है। जानशी शहजादे के जवान होकर हुक्मरानी संभालने तक उनका वकील मार्टोनेजी को मुकरर करता हूँ। खुसरेफ पाशा, जरूरी दस्तावेज तैयार करवाकर तहरीरी मुहायदा इनके हवाले कर दें और इनके दिफा में कतन कोई लापरवाही नहीं होगी। जो हुक्म मेरे शफीक और मेहरबान बादशाह सलामत का। आओ। शहजादे। मेहरमा, ये मकतूब कोनिया से मौसूल हुआ है, सलीम की रियासत से। ठीक तो है सलीम? सलीम बिल्कुल ठीक है, ऐसा सेहतमंद है कि वो तो बीमार ही नहीं हुआ। क्या मतलब? वालिदा कोनिया नहीं पहुंची बिरादर, और सलीम को भी इस बारे में खबर नहीं कोई। ये तुम क्या कह रही हो मेहरमा, ये कैसे हो सकता है? यही पूछने आई हूँ आपसे, वालिदा कहाँ है शहजादे? यकीनन आप जानते हैं। शहजादी। खैरियत तो है मरजान? हुरम सुल्तान कोनिया नहीं पहुंच सकी शहजादी, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ है, कोई खबर भी नहीं मिल रही उनकी। किसने बताया तुम्हें? शहजादे सलीम मोहतरम की तरफ से खबर आई है, वो बीमार हरगिज नहीं हुए हैं शहजादी। ये कहीं हुरम का खेल ना हो। मेरे ख्याल में नहीं, जरूर उनके साथ रास्ते में कुछ पेश आ गया है शहजादी। ये मुमकिन नहीं है, वरना कब की खबर मिल चुकी होती। शहजादी, उनका हमलावर जो भी है उसने अपने पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा। हमें जल्द से जल्द ये मसला हल करना होगा।
वरना हम आका को क्या जवाब देंगे, कैसे वजाहत करेंगे? हम सबकी जिम्मेदारी है ये। मैं फौरन इस मामले की तहकीक करूंगा महरमा, शायद ये मकतूब नकली है। कोई आखिर ऐसा क्यों करेगा? वालिदा के खिलाफ कोई साजिश हुई है। कोई साजिश क्यों करेगा? किसी की मजाल के शहजादों की वालिदा के खिलाफ साजिश करे तो फिर ये सब क्या है? वालिदा कई रोज से गायब हैं। कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ नहीं मालूम। वो जिंदा हैं या नहीं ये भी नहीं जानते। अल्लाह तू हिफाजत करे। तुम अपने कमरे में जाओ मेहरबान। आका की वापसी से पहले अगर वालिदा सही सलामत वापस ना आई तो सजा से कोई भी बच नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। आओ। मुस्तफा, ऐसे क्या बात हो गई, इतने परेशान क्यों हो? हुरम सुल्तान गायब है वालिदा। सलीम के मुताबिक वो कोनिया नहीं पहुंची। कैसे हो सकता है, वो फिर कहाँ जा सकती है? मुझे भी इस बात की तशवीश है मलिका। वालिदा के साथ ही जिसने भी किया है वो सजा से बच नहीं सकेगा। जहांगीर, फिक्र ना करो, आका वापस आ चुके हैं, इंशाल्लाह वालिदा भी आ जाएंगी। सुल्तान सुलेमान खान तशरीफ ला रहे हैं। फीफा खातून, जहांगीर को उसके कमरे में लेकर जाएं। तुम सब भी जाओ। मुस्तफा के कहने के मुताबिक हुरम कई रोज से गायब है और किसी को भी कुछ मालूम नहीं वो कहां है। क्या ऐसा ही है? आका, इस संगीन वाकये से हम सबको बहुत रंज पहुंचा है। हर तरफ तलाश जारी है, मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये दुरुस्त नहीं आका कि सबको रंज पहुंचा है। बाज़ लोग खुश हैं क्योंकि वालिदा के खिलाफ साजिश की गई और आपको हैरानी होगी कि उनके साथ ही सब कुछ करने वाले हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये सब किसका किया धरा है? आपकी अदम मौजूदगी से फायदा उठाकर साजिश की गई है। सलीम के नाम से एक मकतूब लिखा गया था, वालिदा से पढ़ने के बाद फौरन रवाना हो गई। शहजादे ने वापस बुलाना चाहा था आका, लेकिन महिमा सुल्तान ने ऐसा करने से उन्हें रोक दिया। जी हाँ, दुरुस्त है। इस होने वाली साजिश के बारे में मुझे कुछ भी मालूम न था। बात जारी रखो। दो तीन हफ्तों के बाद सलीम की जानिब से एक और मकतूब आया। क्योंकि मैंने परेशान होकर खबर भेजी थी, उसने उसका जवाब दिया था। सलीम बीमार हुआ ही नहीं, वालिदा भी नहीं पहुँची उसके पास। किसने महिमा, किसने किया है बताओ? वालिदा के दुश्मनों को जानती हूँ मैं। उनकी दुश्मन ये शहजादियां हैं। ये निहायत संगीन इल्जाम है महरमा। क्या तुम जानती भी हो कि क्या कह रही हो? माजी में जो कुछ हुआ सबके सामने है शहजादी, दलील की क्या जरूरत है? महरमा तुम बाहर जाओ, महरमा तुम भी।
कसम से मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है पाशा। तुम्हें कितनी बार तंबी कर चुका हूँ, तस्दीक के बगैर किसी खबर पर भरोसा न किया करो। मलिका ने मुझे मौका ही नहीं दिया इसका, वो तो फौरन चली गई अगली सुबह। शहजादी, जो कुछ हुआ आपने सुन लिया रुस्तम, वालिदा पता नहीं किस हाल में होंगी। उदास ना हो मलिका, जल्द हमारे दरमियान होंगी इंशाल्लाह। महरमा सुल्तान की हालत काफी अरसे से ठीक नहीं आका, गम गुस्से में कई बातों पर एतबार मत कीजिएगा। किस पर एतबार करूं, किस पर नहीं, क्या तुमसे पूछूंगा मैं? इस वक्त सिर्फ एक चीज चाहता हूं, हुरम को तलाश करना। उसके मिलने तक तुम सब मेरी नजरों में मुजरिम रहोगे, खास तौर पर तुम मुस्तफा। हरम को तुम्हारी अमानत में दिया था, तुम अमानत का इस तरह ख्याल रखते हो। माजरत, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं है मलिका, जिस तरह रवाना हुई आप पर वाजे कर चुका हूँ। अगर उसे रोक नहीं पाए तो लाजिम था उसकी हिफाजत का बंदोबस्त करते। कानून की रूह से जो नागुजीर है वही सब किया था आका, लेकिन वो अचानक गायब हो गई। अब वो कहाँ है, किधर है, कुछ मालूम नहीं। अहम तरीन मसला मलिका है मुस्तफा, मेरी निकाह याफ्ता जोजा, 5 बच्चों की वालिदा कैसे गायब हो सकती है? और फिर उसके साथ कनीजे भी, आगा भी, उसकी हिफाजत करने वाले कई सिपाही भी हमरा होंगे। तुम चाहते हो कि तुम्हारी हर बात पे यकीन कर लूं? कोई भी दुश्मन इसकी जरूरत नहीं कर सकता और इसकी हिम्मत भी नहीं कर सकता। अगर ये दुश्मन हमारे दरमियान नहीं है तो खजीना माहे दौरा, माजी में जो कुछ भी किया मालूम है, अगर इस वाकये से किसी का भी कोई ताल्लुक हुआ तो मैं कसम खाता हूं सजा के तौर पे सबको अपनी जान देनी पड़ेगी। आका, हो सकता है हुरम खुद कहीं छुपकर आपके वापस आने का इंतजार कर रही हो, बाद में वो भी मेहरमा की तरह और आपकी तरह हमें पर इल्जाम लगाएगी। क्या मतलब हुआ इसका? हर कोई इसे हुरम के खिलाफ एक साजिश करार दे रहा है, शायद बात इसके बरक्स हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हुरम ने हमारे खिलाफ साजिश की हो? खजीना, मैं तंग आ चुकी हूँ, अब हुरम की वजह से इल्जामात से आजिज आ चुकी हूँ मैं। मेरा बस चलता तो उसकी गर्दन दबाकर जान ले लेती उसकी। इसके बहुत से असबाब है लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया अब तक। उसके साथ क्या हुआ मैं नहीं जानती, ना जानना चाहती हूँ। कहाँ है, क्या कर रही है, जिंदा है या मर गई, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है बिल्कुल। अगर आपको किसी को कुर्बान करना ही है तो मुझे मार दीजिए ताकि जान छूट जाए। चली जाओ यहाँ से। तुम सब भी जाओ, जाओ यहां से, अकेला छोड़ दो मुझे।